बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने टिकट वितरण से पहले सभी वरिष्ठ नेताओं से पार्टी कार्यालय में चर्चा की है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव अभियान समिति के संयोजक व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश मिश्र, जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर चुनाव अभियान को लेकर पार्टी की रणनीति, चुनाव प्रबंधन के लिए बनी कमेटियों द्वारा किए गए कामों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 25 अक्टूबर तक बीजेपी का दृष्टि पत्र भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही बैठक संपन्न होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दशहरे के बाद प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों के घर घर तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि न ही कर्ज माफी को लेकर चर्चा हुई और न ही टिकटों के वितरण को लेकर। प्रत्याशियों के बारे में चर्चा नहीं हुई, ना ही विषय आया संगठनात्मक विषय पर बिंदुशः बात हुई। नीचे तक पोलिंग तक के कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद पर चर्चा हुई। कई समाजों के प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, माननीय अध्यक्ष वो मिलने का क्रम है। अध्यक्ष जी जहाँ जाते हैं वह जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, इनके लोग आते हैं, वो मिले। सर कर्ज माफी जैसा कोई विषय आया था दृष्टि पत्र रखने के लिए? कोई विषय ना ही आया है ना ही आने वाला है। दृष्टि पत्र के बारे में हमारे बता दिया गया है, सारी रिपोर्टिंग हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 20-22 तारीख के आसपास में एक बार फाइनल बैठेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी। अब जो भी बताया उन्होंने, जो चीज़ें बताई है वो सब उसमें हम इंकॉर्पोरेट करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर जो फाइनल होगा अब जो सुझाव आए हैं और भी सुझाव आएंगे मुख्यमंत्री जी के साथ जब बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे, वो भी उसमें कुछ बताएंगे कि ये चीज़ें और होनी चाहिए, तो उस सबको जोड़ के तो उसको अंतिम स्वरूप दे के दे दिया जाएगा। जो जो उनके विभाग हैं उन विभागों पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी व्यवहार कैसी होनी चाहिए और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारा काम करने की शैली क्या थी, आम दिन हम कैसे काम करते हैं और चुनाव के समय हमारी वर्किंग कैसी हो। हमारी वही है लेकिन चुनाव के समय हमारी वर्क हार्ड हो जाता है, इस समय हमको ज़्यादा देना चाहिए, ये सब बातें हैं। चुनाव हम कैसे करते हैं, हमने जो लक्ष्य रखा उसको हम कैसे पार करें, हमारा जो भाव है कुल मिलाकर हमें चुनाव जीतना है और जीतने, चूँकि मुझे कार्यालय का प्रबंधन दिया हुआ है, लोगों से मिलने जुलने काम दिया है, उस विषय पर चर्चा।